देखो, उमंग जीवन कौशल के अंतर्गत आज हम जो मॉड्यूल है कौन सा कौशल, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है कौन सा यानी स्वस्थ शरीर के लिए हमारी आदतें ही जिम्मेदार होती है। अच्छी आदत भी होती है और बुरी आदत भी। बुरी आदत के कारण तो हमें क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, और अच्छी आदत के कारण क्या होगा, हम संतुलित जीवन जिएंगे तो हमारा कार्य सभी क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा। चाहे पढ़ाई लिखाई हो, हमारा स्वस्थ रहना हो, और हर कार्य में आगे बढ़कर हम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। और हम खुद ही बीमार हैं, सिर दूसरा है तो अपन कुछ भी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और स्वस्थ रहेंगे तो जीवन का कोई सा भी कार्य हो उसमें हम मन से सहभागिता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो आदतें। अच्छा, अच्छी आदत और बुरी आदत, आप अपने विद्यार्थी जीवन में हो तो अच्छी आदतें स्वास्थ्य के लिए, अच्छी आदतें कौन कौन सी है और बुरी कौन कौन सी है? भी बोला एक ने क्या, एक्सरसाइज करना यानी नियमित रूप से व्यायाम करना। अगर आप बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही हो तो उस अवस्था में आप नहीं करें, यूनिक है वो भी फिर गलत है कि एक्सरसाइज की आदत पड़ गई। आप अस्वस्थ हैं तो नहीं करें, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज आवश्यक है। उसके अलावा और कौन सी है? रोज नहाना चाहिए। यदि आप रोज नहाएंगे, साफ सुथरे रहेंगे तो इसी प्रकार की क्या होगा, एक तो अपने आसपास वालों को कोई स्मेल नहीं आएगी, तो पसीने की बदबू भी होती है, और कई तरह के जम्स का इन्फेक्शन होने से क्या होगा, बच जाओगे। ठीक, और आपको तरोताजा लगेगा तो आप पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे से कर पाओगे, और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास रहेगा। ठीक है, और बताओ क्या है अच्छी आदतें? आप लोगों में से कई सारे बच्चे घर से भूखे आ जाते हैं, घर से कभी भी भूखा नहीं निकलना चाहिए। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, जैसे कोई 4 बजे उठ रहा है, किसी की आदत है सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये भी एक अच्छी आदत है। 4 बजे उठना है तो उसको उठने के ठीक 2 घंटे बाद तक नाश्ता कर लेना चाहिए। मैं 7 बजे उठ रही हूँ तो मुझे कब तक? 9 बजे, क्योंकि मैंने 4 बजे कहा तो पहले उठ गए थे, नाश्ता करके फिर सो गए। जब आप उठ रहे हो उसके 2 घंटे बाद तक नाश्ता होना चाहिए। क्यों? अरे हम रात को 8 घंटे की नींद बताइए, कोई 9 भी सो रहा, कोई 10 भी सो रहा, और मैं तो 11 से 12 घंटे तक सोती हूँ। तो सोचो इतने समय तक मैं तो हम पानी पी रहे हैं ना, कुछ खा रहे हैं, तो हमारा स्टमक क्या हो गया, पूरी तरीके से खाली हो गया। तो हमें अनावश्यक क्या हो सकता है, कमजोरी आ सकती है। इसलिए उठने के 2 घंटे के अंतराल बाद तक आपको पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए। यूनिक पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, या चिप्स या कुरकुरे खाना है, कुछ भी खा लिया, नहीं, पौष्टिक नाश्ता। ठीक, फिर भोजन में क्या होना चाहिए, संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल, ये सारे पोषक तत्व हो, रेशेदार भोजन हो, रेशा हो। वो जो रेशेदार भोजन है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे अधिक अच्छा होता है। ठीक, इसके बाद अधिक से अधिक क्या लेना चाहिए, लिक्विड। यदि आप ठोस खाना खाते हैं और पर्याप्त वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप सुपोषण मोटापे के शिकार हो जाएंगे, और मोटापे के कारण क्या होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे हार्ट अटैक, रक्तचाप बढ़ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, और एक ही लत बढ़ जाती है, एक खाऊं वो खाऊं, एक खाऊं दिन भर
दिमाग उसका कहीं में लगा रहेगा, खाने में ही लगा रहेगा। ठीक है, सुनो, नींबू की शिकंजी, नारियल पानी, मट्ठा बना नारियल का, सॉरी केरी का, ये वाले नहीं किए पर मार्केट में जो बिक रहे हैं लिक्विड का, तो ये बस बाजार से खरीद के लिए आए और उठने आएगी मट्ठा, स्प्राइट, जो भी आप लेते हो, तो ये हाँ आपको शौक है तो आप थोड़ा ले सकते हैं, पर इनका आदि नहीं होना ये हमारे लीवर किडनी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। बात नहीं, फिर एक ही तरह का अनाज, एक ही तरह की फल और सब्जियां नहीं खाना चाहिए, बदल बदल कर खाना चाहिए। ठीक, भोजन में आपको चूजी नहीं होना चाहिए, पसंद ना पसंद नहीं, ऐसा भोजन जिससे हमको संतुलित सारे पोषक तत्व मिले और हमारी शारीरिक वृद्धि अच्छे से हो, शारीरिक मानसिक सभी वृद्धि होना आवश्यक है, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद मोबाइल और टीवी अधिक नहीं देखें, हाँ वो भी देखना चाहिए मनोरंजन के लिए, लेकिन उसके आदि नहीं हो। समाचार देख लो एक आध बार के, कभी आपको ध्यान रहने पर यूनि के मैंने कह दिया तो अच्छी नियमित अंदर आ गई, मनोरंजन के लिए अच्छी जानकारी के लिए देखो और निश्चित समय के लिए देखो। अब बुरी आदतें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो कौन कौन सी है, अभी जो बोला टीवी और मोबाइल का अत्यधिक उपयोग नहीं होना चाहिए, आप भूखे आ जाते हो, ये भूखे रहना सबसे गलत आदत है, उससे आपको कमजोरी आएगी। और अभी आपका मुख्य मोटिव ही क्या है, पढ़ाई करना, तो आपका कंसंट्रेशन एकाग्रता नहीं बन पाएगी, और एकाग्रता नहीं बनी तो पढ़ा नहीं पढ़ा, याद करा नहीं करा, सब एक बराबर है नहीं रहेगा यार। फिर भोजन और सब्जियों में चूजी होना, कि मैं तो खाली भिंडी खाता हूँ, न तो मुझे पालक पसंद है, न मेथी पसंद है, न मेथी दाना पसंद है, न करेला पसंद है, आप सभी तरह की सब्जियाँ खाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद अधिक मात्रा में चाय और कॉफ़ी के सेवन से भी, या अभी कोल्ड ड्रिंक्स की बात करी, इसके सेवन से भी हमको क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। आजकल डिब्बाबंद या पैकिंग खाने का चलन चल गया है, शुक्र है हम तो अपने भारत देश में ले रहे हैं तो हमारे घरों में तो सुबह शाम खाना बनता है, लेकिन जो छः छः महीने पुराना खाना खाते हैं डिब्बाबंद भोजन, न तो वो पौष्टिक होता है, न हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायी होता है। तो डिब्बाबंद बासी पुराने खाने से हमको क्या परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। हाँ, कभी कोई ऑप्शन नहीं है तो आप खा सकते हैं, लेकिन उसी का आदि होना बहुत ही गलत है। ठीक है, जो स्नैक्स आता है, जो आजकल जंक फूड या जो आप लोग रोज पानी पतासे खाते हो, कितने जने खाते हो, रोज खाना अच्छी बात नहीं है, आप नियम बना लो। हाँ देखो, आदत की बात हो रही, अच्छी आदत भी होती है बुरी आदत भी होती है, तो अभी हमने अच्छी बुरी आदत की बात करी, तो जो रोज खाता है वो अपनी बुरी आदत को क्या करें, बदले। अब एकदम भी नहीं छोड़ना, धीरे धीरे, जो रोज खाता है वो हफ्ते में दो बार खाएं, फिर 15 दिन में एक बार खाना शुरू करो, फिर महीने में एक बार तो खा लेना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं, जो शौक है वो भी पूरा होना चाहिए, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाए ऐसा शौक भी नहीं होना चाहिए। तो हम कोई बुरी आदत छोड़ रहे हैं तो आप स्वयं प्रयास नहीं कर पा रहे हो, तो अपने साथियों से बोलो, अपने घर वालों से बोलो कि मुझे ये बुरी आदत छोड़ना है और इसमें मेरी हेल्प करो, तो बकायदा हेल्प करेंगे आपको। पानी बताते का जो चटपटा टेस्ट अच्छा लगता है, तो आपको छोड़ना है
और छोड़ भी नहीं पा रहे हो तो अपने घर से अपनी मम्मी अपनी बड़ी बहन से बोलो या खुद ही बनाना सीखो। कहीं लिखा नहीं है कि खाना फीमेल ही बनाएगी, आपको खुद को भी शौक होना चाहिए। तो घर पे ही अच्छे सब्जियों के पराठे बनाकर खाइए, और पराठे भी रोज ही नहीं खाना। हाँ तो आपका शौक आपका पेट भरा रहेगा, पौष्टिक खाना खाओगे तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। और आप अनहेल्दी जंक फूड खाते हो तो आपको एक या दो घंटे बाद ही क्या लगती भूख, फिर आप ढूंढते हो खाने का अब क्या खाऊं और क्या खाऊं, तो उससे सोचता होगा। तो आप क्या कर सकते हो, नई आदत अपना कर पुरानी आदतों को बदलने का, गलत आदतों को बदलने का क्या करें प्रयास करें। फिर एक और कौन सी आदत है, अभी हमने बात करी थी जल्दी उठना चाहिए तो जल्दी सोना चाहिए, पर यूं नहीं कि जल्दी सोना चाहिए और उधर भी क्या उठ लो आप बहुत लेट आठ नौ बजे, तो वो भी क्या है गलत आदत है। तो ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट जो था एक्सरसाइज नहीं करना, कई जने ऐसे होंगे। अच्छा बताओ कौन कौन करता है रोज एक्सरसाइज, झूठे, ठीक है। तो नियमित व्यायाम करना चाहिए। अब सुनो ये अच्छी और बुरी आदत देखी हमने, अब आप सभी विद्यार्थी जीवन में हो तो अच्छी आदत के कारण आपने क्या क्या इफेक्ट दिखाई देंगे, प्रभाव दिखाई देंगे, और बुरी आदत के कारण क्या क्या आपको नुकसान होगा, प्रतिकूल प्रभाव होगा। सुनिए आप लोग, सबसे पहले एकाग्रता कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, यदि बुरी आदत है आपकी तो शरीर आलस्य भरा रहेगा, बार बार आप बीमार होंगे, मन और शरीर अस्वस्थ है तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, और हर समय आप क्या सोचोगे मेरे को तो नींद आ रही है और मैं सो जाऊँ, ये सब प्रतिकूल है। फिर कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी, और समय के साथ साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम क्या कहते हैं इम्यूनिटी, वो कम हो गई, और एक बार इम्यूनिटी कम हो गई तो आपको दुनिया भर की क्या होगी बीमारियाँ होगी। वहीं आप अच्छी आदत अपनाते हो तो आपका कंसंट्रेशन क्या होगा बढ़ेगा, तो आप पढ़ाई अच्छी कर पाओगे, जो भी याद करा ले उनको लंबे समय तक याद कर पाओगे। फिर स्वस्थ शरीर रहेगा तो मन भी क्या रहेगा स्वस्थ रहेगा, और आपको जो भी वर्क दिया जाएगा आप उसको उत्साह और उमंग के साथ और लगन के साथ करेंगे, और कार्य क्षमता बढ़ेगी, और इसी के साथ अच्छा भोजन और अच्छी आदतों के कारण आपकी इम्यूनिटी क्या होगी बढ़ जाएगी। इस तरीके से स्वस्थ आदत अपना कर हम हमारे शरीर को क्या कर सकते हैं स्वस्थ रख सकते हैं।